से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करी जाए तो ऑप्शन बी। मुख से निकली हुई ध्वनि को ही अक्षर कहा जाता है। देखिए मैं इस चीज को पहले देखिए, फिर मैं आगे आपको स्वर वर्ण करने के लिए बोलने चाहूंगा। जब आप अम बोल रहे हो, जब आप अम का उच्चारण कर रहे हो, तीनों की परिभाषा है समझाऊंगा, तीनों के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं वो समझाऊंगा, तीनों का इंसान में रखता हूँ आपके सामने। मैं शशिराज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूँ एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लासेस में। और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करे जाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबा करना ना भूलें, जिससे आपको जो करेंट अपडेट्स हैं वो आपको सारे के सारे नोटिफाई होते हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ या जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो हिंदी हो, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करना चाहता हूँ कि हिंदी है क्या, हिंदी वास्तव में क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट्स का एक जवाब होगा कि हिंदी कहीं ना कहीं भाषा है। क्या है भाषा? तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि भाषा को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है या किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? तो जो भी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो प्लीज उनके लिए है तो वो देख लीजिएगा, फिर उसके आगे समझाता। भाषा एक तरीके से कहीं ना कहीं एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं आप हम सब हमारे विचारों को बोलकर या लिखकर कहीं ना कहीं व्यक्त करते। तो एक छोटे शब्दों में कहूँ या इसकी छोटी परिभाषा या शॉर्ट में इसको डिफाइन किया जाए या परिभाषित किया जाए तो भाषा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है और हमारी जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी। इसके बाद प्रश्न आता है कि खड़ी बोली हिंदी क्यों है? तो जिस दिन हम हिंदी भाषा का विकास की बात करेंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि इसे खड़ी बोली हिंदी क्यों कहा जाता है। तो माध्यम आपसे मैंने अभी बताया, मैंने आपको डिफाइन किया कि कहीं ना कहीं भाषा जो है हमारी हिंदी एक माध्यम है। तो माध्यम क्या होता है? जब आप छोटे रहे होंगे, जब आपने कहीं ना कहीं अपने घर में टेलीफोन देखा होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपने वायर रखता है जिसे ट्विस्टेड पेयर केबल वायर कहा जाता है, जिसमें सिग्नल ट्रैवल होते थे। यहाँ पर एक जगह सेंडर होता था और एक जगह रिसीवर होता था। तो ये एक माध्यम था जिसके द्वारा सिग्नल यहाँ से ट्रैवल होकर के एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंचा जाता था। उसी प्रकार जब हमको हमारे विचारों को व्यक्त करना होता है तो आपके और मेरे मध्य जो मीडियम जो माध्यम का काम करता है वो कहीं ना कहीं भाषा ही काम करती है। नेक्स्ट पार्ट पर अगर मूव करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है वो रहेगा, जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो नेक्स्ट चीज है वो है अक्षर। क्या होगा अक्षर? अक्षर क्या? तो जब आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं जो किड्जी वगैरह बचाते होंगे तो उनकी कभी आपने हिंदी की बुक देखी होगी तो वहां पर लिखा रहता है अक्षर ज्ञान। और वास्तव में अक्षर ज्ञान क्या होता है आप और मैं हम सभी लोग जानते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ये फिजिकल इतने डेवलप नहीं होते कि अपने हाथों से लिख सके, ठीक है। तो उन्हें स्टार्टिंग में जब पढ़ाया जाता है जब सिखाया जा सकता है तो सिर्फ एक ही माध्यम होता है उनको बोल करके उन्हें सिखाया जाता है, उसी बोला जाता है अक्षर ज्ञान। तो अक्षर जो है एक सबसे छोटी इकाई है भाषा की, एक सबसे छोटी इकाई यदि भाषा की बात करो तो उसे अक्षर कहा जाता है। क्योंकि जब छोटी छोटी चीज ही बनेगी तो उसी चल के जिस प्रकार सागर बनता है उसी प्रकार भाषा को भी समझने के लिए या फिर सीखने के लिए हमको छोटी छोटी चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम अक्षर देखेंगे, अक्षर के बाद वर्ण देखेंगे, वर्णों के बाद शब्द देखेंगे और शब्दों के बाद वाक्य को देखेंगे। चलिए मैं मूव करता हूं अक्षर की ओर। अक्षर स्तर में वास्तव में होते हैं तो मैं अक्षर की आपको परिभाषा बताऊं तो मौखिक रूप से सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है उस चीज को समझ लें फिर मैं उस चीज को समझाता हूं। प्रश्न पूछा जाता है इस पर कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करी जाए तो वो अक्षर ही। और अक्षर की परिभाषा को परिभाषित करते हुए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मुख से निकली हुई ध्वनि को ही अक्षर कहा जाता है। छोटे बच्चे जो किड्सी वगैरह में है उनको सबसे पहले यदि हिंदी भाषा में कुछ कराया जाता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ अक्षर ज्ञान ही कराया जाता है। जहां पर छोटे बच्चों को मुंह से बोलना सिखाया जाता है, जब उनकी टीचर सामने खड़े होकर के बोलती है बोलिए का, तो बच्चे बोलते हैं का, जब उनसे बोला जाता है खा तो बच्चे बोलते हैं खा। वही चीज मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो अक्षर है। सेकंड चीज का मूव करते हैं उसे कहा जाता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? जब इन अक्षरों को जब जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब उनकी बुक में जब उनको ऐसा लिखना सिखाया जाता है, उसे ही कहा जाता है वर्ण। अक्षर के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो क्या है? वर्ण। डिफरेंस दोनों में है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको वापस से बोल देता हूं, दोनों चीज में अंतर है। मौखिक रूप से यदि पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो अक्षर है, और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो वर्ण है। तीन चीज हमने अभी पढ़ी। सबसे पहले भाषा जो हिंदी है उसकी परिभाषा को पढ़ा, ठीक है। सेकंड चीज जो हमने देखी है वो अक्षर, और तीसरी चीज जो देखी है वो है वो वर्ण। सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होगी जहां पर मुझे अगर आपको भी लग रहा है। अब उसके आगे मूव करते हैं कि लिपि कैसे काम करती है। तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वो कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि है। आपने वीडियोस बहुत देखे होंगे, चीजें बहुत पढ़ी होंगी, पर जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेशन को रटेंगे नहीं, डेफिनेशन को समझेंगे वास्तव में डेफिनेशन होती क्या है। यदि डेन को डिफाइन किया गया है, तो परिभाषित किया गया है, तो क्यों किया गया है, उस चीज पे हम चलेंगे ना कि रटेंगे। क्योंकि आज तक आपने और मैंने इन चीजों को रटा है, आज आप और मैं धीरे धीरे चीजें को करके समझेंगे कि डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, पर क्यों परिभाषित किया गया है ना। तो इनको मेरे साथ चलते चलते धीरे धीरे जब हम साथ में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सारी की सारी चीजें दिमाग में उतरवा दूंगा ना कि रटवाने की। चलिए आगे मूव करते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पर, सॉरी मैं सीक्वेंस को भूल सकता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, मैंने वो आपको क्या कहा, लिपि। तो लिपि की परिभाषा या लिपि को परिभाषित कैसे किया जाता है उसके आगे तरफ आप चलते हैं। तो लिपि की मैं परिभाषा समझाता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा कि लिपि क्या है, इसकी परिभाषा को समझाऊंगा। तो हमारी भाषा को स्थायी रूप देने के लिए जो नियम बनाया गया, हमारी भाषा को स्थायी रूप देने के लिए जो नियम बनाया गया है उसे ही लिपि कहा जाता है। अब स्थायी रूप क्या है? स्थायी रूप शायद आप जब समझते होंगे, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सुना होगा, वो स्टैंडर्ड्स जिन्हें सबको फॉलो करना पड़ता है, उसी प्रकार भाषा का भी एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, जिसके कारण भाषा को एक दर्जे पर रखा जाए ताकि हम सब उसको एक जैसे पढ़े, एक जैसे लिखें। तो भाषा को स्थायी रूप देने के लिए जो नियम बनाया गया है उसे ही लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ही लिपि कहा जाता है। सेकंड चीज हमारी लिपि की बात की जाए तो हमारी लिपि कौन सी है? तो हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारे लिपि का सिर्फ एक ही नियम है, एक ही रूल है और एक ही प्रोटोकॉल है, लिपि वास्तव में ठीक है। तो लिपि का जो रूल है वो समझिए, आपको हिंदी भाषा का कोई सा भी शब्द बनाना हो, आपको हिंदी भाषा का कोई सा भी शब्द बनाना हो तो लिपि का रूल कहता है कि आपको हिंदी भाषा का कोई सा भी शब्द बनाना हो तो 52 वर्णों की मदद से ही बनाना होगा। कहीं ना कहीं हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो आप लिखा करते हैं कि कहाँ हो, कहाँ हो, इसको आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं। पर लिपि के रूल के अकॉर्डिंग यदि आपसे कहा जाए कि इसको कैसा लिखा जाएगा तो आपको लिखा जाएगा कि कहाँ हो। याद रखिए, शायद आज हमारे पास लिपि नहीं होती तो हिंदी को कहीं ना कहीं आप इस फॉर्मेट में लिखा करते, पर हमारा हिंदी भाषा का रूल या नियम ये कहता है कि आपको हिंदी भाषा का कोई सा भी शब्द बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ इन 52 वर्णों की मदद से ही बनाना पड़ेगा। वो 52 वर्ण क्या है? जब वो हम अपन फर्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, जो हमारा हिंदी भाषा का पहला चैप्टर है वर्ण वाला, वहां पर देखेंगे कि 52 वर्ण या वो 52 एलिमेंट्स है क्या। चलिए इसके बाद मैं मूव करता हूँ। ये सारे के सारे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट थे जो मैंने अभी आपको जो बताया है। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा को समझा, फिर मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई को देखा, फिर लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई को देखा, उसके बाद लिपि को देखा। अब जो हम फर्स्ट चैप्टर की ओवर मूव करते हैं वो है हमारा वर्ण बनाना।
सबसे पहले मैं आपको इसको परिभाषा बताऊंगा सर वर्णमाला, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर पे, डायरेक्टली पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो माला शायद आपने और हम सबने देखी है कहीं ना कहीं, माला असल में होती क्या है, वहां पर मालाओं में मोतियों का या सिर्फ फूलों का एक व्यवस्थित क्रम, एक व्यवस्थित सीक्वेंस होता है। उसी प्रकार जो हमारी वर्णमाला है वहां पर वर्णों का एक व्यवस्थित समूह या एक व्यवस्थित क्रम होता है, इसीलिए इसे वर्णमाला कहा जाता है। जहां पर फर्दर वर्णमाला को देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोग्य वाह। मैं पूरी चीजें नहीं लिखूंगा पर मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, जो भी नोट्स बना रहे हैं वो चीज को मेरे जो बोल रहा हूँ उससे उसको नोट डाउन कर सकते। वर्णमाला को तीन भागों में बांटा गया है, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोग वाह। आपने कहीं ना कहीं अयोग वाह को पहले पढ़ा है, पर जिस प्रकार दूसरे सब्जेक्ट्स में जब आप छोटी क्लास में थे वहां पर चीजें थोड़ी सी बनाकर रखी जाती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वहां पर उन चीजों को और ज्यादा वाइड कर दिया जाता है और ज्यादा उनको समझाया जाता है और ज्यादा उसको बताया जाता है। तो सबसे पहले जो वर्णमाला इस चीज को समझे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को तीन भागों में बांटा गया है, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोग वाह। तो सबसे पहले हम जो मूव करेंगे वो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका स्वर। डेफिनेशन को रटना नहीं समझना है, ठीक है। तो स्वरों की परिभाषा या स्वरों को परिभाषित किस तरीके से किया जाता है उस चीज को समझे। वे वर्ण ध्वनियां जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिन्हें बिना किसी की सहायता से बोला और लिखा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। अब ये स्वतंत्र कैसे है उस चीज को भी समझे। पहले तीनों की परिभाषा आपको बता देता हूँ, स्वरों की भी, व्यंजन की भी और अयोग्य वाह की भी। तो सबसे पहले मैं आपको स्वर की परिभाषा बताई वो है कि वे वर्ण ध्वनियां जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिन्हें बिना किसी की सहायता से बोला और लिखा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। सेकेंड चीज, वे वर्ण ध्वनियां जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जिन्हें बोलने और लिखने के लिए किसी अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो, उन्हें कहा जाता है व्यंजन। जो थर्ड चीज है कि वे वर्ण जो ना ही पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है, बल्कि वे वर्ण जो दोनों के मेल से बने होते हैं, स्वर के भी और व्यंजन के भी, उन्हें अयोग्य वाह। चलिए अब जो अपन आगे मूव करते हैं, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो इस चीज को उतार लें अपनी कॉपी में, ठीक है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। चीज क्या है, फर्दर वर्णमाला को फर्दर बनाया गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग्य वाह। फिर मैंने आपको स्वर की तरफ लेके गया, वहां पर मैंने आपको बताया वे वर्ण ध्वनियां जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिन्हें बिना किसी की सहायता से बोला और लिखा जाता है, उन्हें कहा जाता है स्वर, है ना। चलिए अब स्वर की डेफिनेशन तो आपने समझ ली, अब स्वर कौन कौन से है वो चीज के अपन आगे मूव करते हैं। आप पूछेंगे इसको मैं अलग क्यों लिखा है, तो मैं आपको जस्ट सही बताऊंगा। अ आ ई ई उ ऊ ऋषि ए ए ओ और ये सारे के क्या है, स्वर। पर आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, यदि आपसे प्रश्न पूछे जाते थे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो वहां पर लगाते थे स्वरों की संख्या कितनी है 13, वहां पर आप हम और आपको उसमें जोड़ करके रखते थे, है ना, रखते थे कहीं ना कहीं। पर जब आप कॉम्पिटिशन की लाइफ में इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनको आपको डिटेल में पढ़ना, है ना। तो मैंने आपको जो वर्णमाला का तीसरा पार्ट जो बताया, कि तीसरा पार्ट जो वर्णमाला का है वो अयोग्य वाह, उसकी मैंने आपको परिभाषा भी बतलाई थी कि वे वर्ण ध्वनियां जो ना ही पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है, बल्कि जो लोगों के मेल से बनी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अयोग्य वाह कहा जाता है।
तो देखिए ना इस चीज को पहले देखें, फिर मैं आगे आपको स्वर व्यंजन पे भी लेकर के चलूंगा। अम और आहा, जब आप अम बोल रहे हो, जब आप अम का उच्चारण कर रहे हो, तो इसमें आप देखोगे अम आ रहा है और म आ रहा है। जब आप आहा बोल रहे हो तो आ रहा है और हा आ रहा है। जहां पर जो आप आ देख रहे हो ये स्वर है, और जो आप मा देख रहे हो वो व्यंजन है। उसी प्रकार आहा यहाँ पर आ जो है स्वर है, और जो हा है ये व्यंजन है। कहीं हमें देख रहे हैं ना यार, तो वे वर्ण भल्या जो स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बनी होती है उन्हें ही अयोग वाक कहा जाता है। जहां पर दो वर्णों को रखा गया है, एक अम और दूसरा आहा। अम को जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं उसको ध्यान से लिख लें, अम को कहा जाता है अनुस्वार और आहा को कहा जाता है विसर्ग। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, अम को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। तो आपको शायद ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अब जब हम कॉम्पिटिशन की लाइफ में हिंदी को पढ़ेंगे तो वहां पर जो स्वर आपने स्कूल लाइफ में 13 पढ़े थे वो अब घट करके स्वरों की संख्या कितनी बची गई है 11। तो एग्जाम में आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, ध्यान से सुनिएगा और स्टार करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। मैं सारे के सारे की पॉइंट्स आपको नोट डाउन कराता चलूंगा, तो आप प्लीज जो जो मैं चीज बोलू उनको स्टार लगा करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको अब याद रखना है 11 है। चीज समझ में आई? क्योंकि जो आपके अम और आहा जो दो चीजें थी, मैंने आपको जस्ट बताया कि जो तीसरी कैटेगरी है, जो ना ही पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है, उसे क्या कहा गया है, वो वा। तो आज से ध्यान रखिएगा स्वरों की संख्या 11 है, वो आ से लेके अम तक जो भी है ये सारे के सारे स्वर है और अम और आहा। चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वर की परिभाषा मैंने आपको बतला दी, उसके बाद मैंने बता दी कि स्वर कहाँ से कहाँ तक है। चलिए अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं आपको, है ना। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए फर्दर यदि चले तो स्वरों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ या गुरु स्वर, और तीसरा जो पार्ट है उसे कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो कहीं ना कहीं मैं जब आपसे पूछूंगा तो ये चीज आपको भी बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बोला छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, बोला या नहीं बोला, तो उसी के आधार पर, है ना, उसी के आधार पर यदि स्वरों को देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर, लघु मतलब छोटा। दूसरा होता है दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु मतलब बड़ा। और तीसरा होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त का मतलब होता है जहां पर दोनों चीजों को मिलाई जाती है ना। तो हम इन तीनों को अलग अलग देखेंगे, इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे और इनकी परिभाषाओं को भी समझेंगे, ना कि रटेंगे, है ना। तो चलिए जो पहला पार्ट है स्वर का उसकी तरफ हम मूव करते हैं। जो पहला होता है जिसे कहा जाता है लघु या फिर ह्रस्व स्वर, है ना। प्लीज राइटिंग की तरफ मत जाए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चले आपको, ठीक है। तो जो पहला होता है ह्रस्व और लघु, है ना, तीनों की परिभाषाएं समझाऊंगा, तीनों के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं वो समझाऊंगा, है ना। तो तीनों को एक साथ पहले लिखता हूं आपके सामने, फिर उसके आगे इसको समझाता हूं। पहला होता है ह्रस्व या लघु, दूसरा होता है दीर्घ या गुरु, और तीसरा जो होता है होता है संयुक्त स्व, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं ह्रस्व लघु स्वर की, है ना। तो इस कैटेगरी के अंदर छोटा, छोटी, छोटल और ऋषि, इसको मैंने आपके सामने भी छोटा, छोटाई और छोटल और छोटा ऋषि से भी बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने और मैंने इसको ऐसा बोला ही है पढ़ते टाइम, छोटा, छोटाई, छोटल, और उसी का मतलब होता है लघु, लघु मतलब छोटा, छोटा आप, छोटी, छोटा हो और छोटा ऋषि, इसके परिभाषा के रूप में। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगे और समय की गिनती एक मानी गई, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और समय की गिनती एक मानी गई हो,
उन स्वरों को लघु या फिर ह्रस्व स्वर कहा जाता है। मैंने आपको इसको समय गिनती एक इसलिए कहा क्योंकि जिस दिन हम छंद पढ़ेंगे वहां पर इसे लघु की मात्रा में काउंट किया जाता है और वहां पर इनकी मात्रा की गणना एक की जाती है। तो अभी इसकी परिभाषा मैं आपको वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं उसको लिखिए और इस चार वाक्य जो मैं बोलूंगा वो लिखिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो और समय की गिनती एक मानी गई हो वहां पर जो होता है उसे क्या कहा जाता है, लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत छोटा छोटी छोटा उ और छोटा ऋषि आता है। स्टार लगा के इन्हें छंदों में लघु की मात्रा एक गिना जाता है। सेकंड के रूप में जो होता है दीर्घ या गुरु, जो दीर्घ स्वर है या फिर गुरु स्वर है इसके अंतर्गत जो आते हैं वो तीन आते हैं। हमें देखिएगा जब आप पढ़ते हैं बड़ा आ बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये जो तीन स्वर जो आप देख रहे हैं ये दीर्घ और गुरु की कैटेगरी के अंदर आते हैं, है ना। जो बड़ा आ होता है ये बनता है आ प्लस आ के मेल से, सॉरी जो बड़ा ई होता है ये बनता है ई प्लस ई के मेल से, बड़ा ओ होता है ये बनता है ऊ प्लस ऊ के मेल से। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बतलाऊंगा या इसकी परिभाषा बतलाऊंगा, उसके बाद दोनों में क्या अंतर है उसको समझाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल नहीं समझना है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा दोगुना समय लगता हो, वे वर्ण बनना जिनमें लघु की अपेक्षा जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा दोगुना समय लगता हो उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ या गुरु स्वर। अब मुझे देखे, अब मुझे बताया आप यहाँ पर देखे कि जो बड़ा आ हो रहा है यहाँ पर ये दो के मेल से बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जहां पर आपको एक स्वर का उच्चारण करना है, जहां पर आपको एक आ का उच्चारण करना है वहां पर समय कितना लगेगा, एक। और जहां पर आपको बड़े आ जो बोल रहे हैं बड़ा वहां पर ये दो के मेल से बन रहा है, तो मुझे बताओ दो को उच्चारित करने में समय ज्यादा लगेगा या कम। जब आप बोलते हैं छोटा तो आप बोलते हैं आ, जब आप बोलते हैं बड़ा तो बड़ा आ, क्योंकि यहाँ पर जो दो ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बना हुआ है आ और आ के मेल से, है ना। तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आई कि वे वर्ण बनना जिनको उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें क्या कहा जाता है, लघु। और वे वर्ण बनना जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता हो उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ या गुरु। तीसरे भाग की ओर हम चलते हैं जो होता है तीसरा जिसे कहा गया है संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर क्या होता है, तो मैंने इसका आपको जो अर्थ बताया शब्द का जो अर्थ होता है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है दो चीज से मिलकर बनना। तो वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। यदि सिमिलर होते या सेम होते तो हमें तीसरी कैटेगरी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। यदि यहाँ पर भी तो आप बोल रहे सर यहाँ पर भी तो दो स्वर मिलकर के बन रहे हैं, पर मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर समान स्वर है, छोटा आ है तो छोटा, यहाँ पर छोटा ही छोटा, एक छोटा वो छोटा, पर संयुक्त स्वर जो है वहां पर क्या है, वहां पर दो भिन्न अलग अलग स्वर है। तो वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, उन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। चलिए वे स्वर कौन कौन से हैं और वो किन किन के मेल से बने थे उस चीज के ऊपर आगे मूव करते हैं। संयुक्त स्वर के, संयुक्त स्वर के अंदर जो चार स्वर आते हैं वो आते हैं ए ओ और औ। ये जो बनता है आ प्लस ई के मेल से बनता है, ये जो बनता है आ प्लस ए के मेल से बनता है, औ बनता है आ प्लस ऊ के मेल से, और जो औ बनता है आ प्लस ओ के मेल से। तो यहां पर आपको मैंने जब परिभाषा में इसको बताया कि वे वर्ण जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। ए जो बनता है आ प्लस ई के मेल से, ए जो बनता है आ प्लस ए के मेल से, ओ बनता है आ प्लस ऊ के मेल से, और जो औ बनता है वो आ प्लस ओ के मेल से। चलिए बाकी का मुझे देखते हैं।